हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ मूली किचन में। और आप लोग सोच रहे होंगे आज कहीं फिर से तो मूली के पराठे नहीं बनने जा रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे किचन में बन रहा है मूली का अचार और साथ ही मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने ले लिया है थोड़ी सी अरहर की दाल और उसी में मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ी सी ये मसूर की दाल। बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनकर हमारी तैयार होती है। तो बस मैं इसको इसमें डालकर और इसको अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर मैंने अपने लिए एक कप चाय भी बना ली है। साथ ही साथ हमारी चाय भी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो मैं दाल धुलकर लेकर आ गई हूँ और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 से 2.5 कटोरी पानी और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए। तो देखिए, मैंने इसमें पानी को डाल दिया है और अब मैं चाय को अपने उतार लेती हूँ और इसको रख देती हूँ कुकर को और फटाफट से चाय को एक कप में छान लेती हूँ। उसके बाद दाल में थोड़े से मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 2 से 2.5 कटोरी पानी डाला है दाल में। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं इसमें। और हमें बहुत गाढ़ी दाल नहीं बनानी है, ना ही बहुत पतली। तो बस फ्रेंड्स, आपको जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप दाल और पानी डालिए इसमें। और ये देखिए, मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ और साथ ही डालूँगी खटाई। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो इस तरह से आम के समय में ये आम की खटाई बना के रख ली जाती है और हम लोग दाल में इसको ज़रूर डालते हैं। हल्का सा खट्टापन आ जाता है दाल में, तो दाल बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है। तो आप लोग इसकी जगह पे चाहें तो टमाटर को कट करके इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इमली को भिगा दीजिए और उसके पानी को थोड़ा सा डाल दीजिए। दाल हल्की जब खट्टी बनती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बस फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी डालकर इसको बंद करके रख दिया है और इसको 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम इधर मूलियों को छील कर और कट करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैं मूलियों को अच्छे से छील ले रही हूँ। इसके बाद इसको धुल लेती हूँ और धुलने के बाद इसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और धूप यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर धूप होती तो इसको मैं थोड़ी देर कट करके धूप में रख देती जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाता, लेकिन धूप नहीं हो रही है तो इसको अच्छे से सूखे कपड़े से मैं पोंछ कर और इस तरह से कट कर ले रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, इसको मैं इस तरह से गोल गोल कट कर रही हूँ। बहुत ना हमको मोटा इसको कट करना है और ना ही बहुत पतला, बिल्कुल मीडियम साइज में इसे हमें बारीक बारीक कट करके और तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स, मूलियों का अचार जो है वो कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये मैं जो आज मूली का अचार बना रही हूँ इसको आप झटपट बनाकर और झटपट खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अचार है ना, इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको उतनी क्वांटिटी में बनाइए कि जिसको आप 7 से 8 दिन में खाकर ख़त्म कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं साथ ही इसके हरी मिर्च भी ले रही हूँ और इसको भी इसके साथ अच्छे से पोंछ कर सूखे कपड़े से और इसको भी फ्राई करके साथ में बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार, सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही झटपट बनकर ये हमारा मूली का अचार रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मिर्च में इस तरह से कट लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मिर्च को तेल में फ्राई करें तो उसमें थोड़ा सा कट लगाकर ही मिर्च को तेल में डालें, नहीं तो वो तेल में जाते ही फट जाती है, तो हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। तो ये देखिए, मैंने मिर्च और मूली को रेडी कर लिया और इधर हमारी दाल भी पक गई है। तो मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ फ्लेम को और दाल ठंडी होने देती हूँ। तब तक इधर मैं गैस पर रख दे रही हूँ कढ़ाई और बना लेते हैं मूली का अचार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा मंगरेल, थोड़ा सा जीरा, सौंफ, मेथी और थोड़ी सी साबुत धनिया ले ली है और हमारी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ और इसमें मिर्च को सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसमें मिर्च डालकर और इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो ज़्यादातर करके सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो मैं इसको सरसों के तेल में ही बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है सरसों के तेल में। आप अगर कोई दूसरा वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए, मैंने इसमें सारे जो जीरा मेथी सौंफ सब लिया था डाल दिया है और उसमें डाल दे रही हूँ मूली और इसको अच्छे से 2-3 बार चलाकर इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। और जब ये थोड़ी देर पक जाएगा तब हम इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक कर इसको पकने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मूली हमारी पक रही है तब तक हम इधर दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, कुकर का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैं दाल को चेक करती हूँ और बहुत ही परफेक्ट दाल हमारी बनकर तैयार हुई है। न ज़्यादा गाढ़ी है, न पतली है, बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। तो मैं कलछी से इस तरह से हल्का सा इसको मैश कर दे रही हूँ ताकि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए।
इसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है थोड़े से लहसुन की कलियों को और इसको इस तरह से कूट ले रही हूँ, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से कट कर ले रही हूँ बारीक बारीक। इसके बाद रख देंगे, पैन गर्म हो जाएगा हमारा, तो उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो ये देखिए मैं इसमें पैन रख दे रही हूँ, इस तरह से गर्म हो रहा है हमारा, और इसमें मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ। और इसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और ये जो प्याज मैंने कट करके रखी थी इसको डाल दिया है। और हल्का सा हमारी प्याज जब भुन जाएगी तो मैं इसमें ये लहसुन डालूंगी। और इधर मैं कट कर ले रही हूँ टमाटर, तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी कट कर लिया है। तो देखिए हमारी प्याज हल्की सी भुन गई है, तो इसमें लहसुन डाल देती हूँ इस तरह से कूट कर, और इसको भी प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि हमारी दाल में अच्छा सा कलर आ जाए, और साथ ही ये टमाटरों को भी डाल दे रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, जिससे हमारे टमाटर जो हैं वो जल्दी से गल जाएँ। और बस इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, और हमारे टमाटर जब गल जाएंगे तब हम इसमें अपनी दाल को डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक दाल हमारी गल रही तब तक मूलियों को भी इधर चेक कर लेते हैं। तो देखिए मूली को हमारे 1-2 मिनट हो गया पकते हुए, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मैं यहाँ 1 चम्मच के लगभग ये धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ इसमें, और साथ ही इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा ये हल्का सा खट्टापन आ जाता है लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं, तो जब हमारा मूली का अचार बनकर तैयार हो जाए, हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें और मूली का अचार हमारा ठंडा हो जाए, तब आप उसमें थोड़े से नींबू निचोड़ सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस फ्रेंड्स, इधर हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं देखिए, तो हम इसमें अपनी दाल को पलट देते हैं। तो पहले मैं 1-2 कलछी इस तरह से निकाल लेती हूँ, नहीं तो बहुत ही छींटे पड़ेंगे ऐसे डायरेक्ट उसमें डालने पर। और बस पूरी दाल को उसमें पलट देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी ये अरहर और मसूर की दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लाजवाब दाल बनती है, होटल और रेस्टोरेंट की दाल इसके आगे फेल है। ऊपर से थोड़े से हरी धनिया के पत्ते हम इसमें डाल दे रहे हैं, और सच में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह से दोनों दाल को मिक्स करके बनाइए, कभी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनती है। तो फ्रेंड्स, साथ ही मैं चावलों को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर की खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोपहर में हमारे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी के बिना तो थाली अधूरी मानी जाती है। तो बस फ्रेंड्स, मैंने चावलों को भी अच्छे से धुल लिया है और हमारे मूली के अचार भी अच्छे से पक गए हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए मूली अच्छे से मैश हो रही है, अच्छे से ये पक गया है, और हमारा मूली का अचार भी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये जो हमने हरी मिर्च फ्राई करके रखी थी उसको, और इसको भी इसी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक और डालूंगी, क्योंकि उस समय मैंने थोड़ा नमक कम ही डाला था और हमने मिर्च भी इसमें डाली है, तो थोड़ा सा नमक इसमें और डाल देंगे ताकि हमारा जो नमक है अचार में अच्छे से बैलेंस हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मूली का बहुत ही सिंपल बहुत ही टेस्टी अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इधर बना लेती हूँ चावल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीरा राइस बना रही हूँ, मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फ्रेंड्स, कुकर गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच देसी घी डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा जब अच्छे से हमारा चटक जाए, तो हमने जो चावल धुल कर रखे थे उसको इसमें डाल दिया है मैंने, और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1-2 सेकंड के लिए, और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसमें पानी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके बस कुकर के ढक्कन को लगाकर इसको हम 1 सीटी आने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बच्चों के लिए कभी जीरा राइस, कभी मटर डाल के, कभी गाजर डाल के चावल बनाती रहती हूँ, और मेरे बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, मेरे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ी गरम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज दोपहर में सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मैंने सुबह बच्चों के लिए बनाई थी ये आलू पत्ता गोभी शिमला मिर्च मटर की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, तो मैं आज दोपहर के खाने में उसे ही सर्व कर ले रही हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी भी गर्म हो गई, दाल बन गई और चावल बन गया, हमारा मूली का अचार भी रेडी है। तो अब हम फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ और लगाते हैं दोपहर की थाली, क्योंकि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं दोपहर के खाने का। तो देखिए मैं फटाफट से रोटियों को सेक ले रही हूँ और फटाफट से लगाएंगे थाली। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो मूली का अचार है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ही कम मसालों में। फ्रेंड्स, मूली के अचार कई तरीके से बनते हैं, मैं आप लोगों के साथ और भी मूली के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, और ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी रोटी भी बनकर रेडी हो गई, और हम चावल चेक करते हैं। देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं, बहुत ही
अच्छे तो बस फटाफट से लगाते हैं थाली। तो देखिए मैंने चावल निकाल लिया है, दाल रख ली, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और ये हमारी सब्जी हो गई और ये हमारी गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां और साथ ही जो हमने मूली का अचार बनाया है उसे रख लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही लाजवाब दोपहर की ये थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। होटल रेस्टोरेंट के भी खाने इसके आगे फेल हैं। बहुत ही शुद्ध तरीके से हमने और बहुत ही पौष्टिकता के साथ ये बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा रेसिपी वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।